क्या हो गया बेटा, चुस्सू कर दिया? और बेटा बता दिया अगर चुस्सू बताता क्यों नहीं तू? हाँ बस सुबह बता दो, क्या कर दिया उन्होंने चुस्सू? वो कर रखा चप्पल पहन के आओ बेटा, देखो वो रखी, जाओ नहीं पहननी क्यों? तो राजा पापा के साथ चलेंगे, चलो उधर चप्पल पहन के आएंगे, पहले चप्पल पहन के आएंगे बेटा। मैंने सुना दिया, देखो कितना तेल खिंडा दिया इसने, ये तो पूरी रात से बाहर रखा हुआ था, अभी सुबह उठ के रख दिया मैंने ना, तो ये सारा ही गिरता, तो ये सुना देना नोनू अब। और इधर बन रहा है नोनू के लिए मैंगो शेक, पिएगा नोनू मैंगो शेक ना पीवे? अच्छा शाबाश नोनू शाबाश, लापापा करेंगे, इधर आजा, इधर आजा बेटा, लापापा करके दिखाएंगे। ब्रश कर रही है, देखो दिखाओ नोनू करके दिखाओ, यहाँ फोटो खींचेगा, जल्दी आओ फोटो खींचेंगे नोनू का ब्रश करते हुए, आ जाओ दिखाओ बेटा कहाँ लगी है। ओ बस बस बचगा बचगा बस 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 बचगी 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 कोना लगी बस, ऊपर मुंह करो, आ बोलो आ बोलो आ बस, नहीं नहीं कर लूं जल्दी जल्दी, मम्मा सब्जी बनाए हैं। अच्छा नोनू क्या करेगा? नोनू सब्जी खाएगा। चप्पल पहनो, देखो पैर छिछे हो जाएंगे, अभी नाई नाई करी है, जल्दी पहनो, क्यों पहन लो बेटा, मम्मा नाई नाई करे है, मम्मा बारी आओगी, आजा अरे मम्मा नहीं नहीं करे बेटा आजा। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं यार, और पानी की बोतल देखो ये नई मंगवाई है, बताता हूँ आपको, ये बोतल यार ये रोहतक से मंगवाई है मैंने पापा से, रोहतक में क्या हैमिल्टन की फैक्ट्री है, वहां से फैक्ट्री रेट पे मिल जाती है, ये पड़ी है 1480 रुपए की, ऑनलाइन मैंने देखी थी, बिल्कुल डिट्टो सेम ऐसे ही हैंडल वाली, और कलर भी यही था हैंडल का, वो दिखा रहा था 2400 से 2500 के बीच में, 2410 था मिनिमम रेट, किसी पे 2450 किसी पे 2470 ऐसे था, और ये 1480 की पड़ी है। लेकिन एक चीज मैंने देखी यार कि इसमें 2 लीटर पानी नहीं आता है, जैसे अभी सुबह भी मैंने डाला ना, तो मेरे हिसाब से तो ये मेरे को लग रही है कि 1.5 लीटर की है, लेकिन ऑनलाइन भी मैंने जो देखा ना उस पे भी लिखा हुआ था 2 लीटर की, तो हो सकता है भाई लिखने में उनके हिसाब से 2 लीटर हुई है, पर एक्चुअल में 2 लीटर मुझे तो नहीं लगता है, बाकी थोड़ा और ढंग से मैं देखूंगा, आज ही मैंने ये चीज नोटिस करी है, क्योंकि पहले तो ना नॉर्मल पानी जैसे इसमें हम भरते थे 2-3 दिन से, और आज मैंने क्या किया है, एक बोतल रखी थी फ्रिज में, तो उसमें से डायरेक्ट मैंने इसमें डाल लिया, वो बोतल 1.5 लीटर से भी थोड़ी कम की है, उसके बाद इसमें मुश्किल से 1 गिलास पानी आया है, तो उसके हिसाब से तो ये 2 लीटर की हो नहीं सकती, तो बाकी अभी देखते हैं 2-4 बार और डाल के ध्यान से कितने की होती है, बाकी रेट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ा यार, कहाँ 2410 और कहाँ 1480। तो अभी निकला हूँ यार ड्यूटी से, सैटरडे है तो इसलिए जल्दी निकला हूँ, थोड़ा सा और जल्दी निकल लिया हूँ मैं, क्योंकि आज मेरे को ना करनाल जाना है, गाड़ी में जैसे मैंने सीएनजी लगवाई है ना, तो सीएनजी लगवाने से यार गाड़ी पीछे से दब जाती है, तो क्योंकि सीएनजी का जो सिलेंडर का वेट होता है ना वो करीबन 75-80 किलो के आसपास होता है, तो इसलिए शॉकर दब जाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि शॉकर्स में ना गुटके लगते हैं, ताकि जो हाइट पीछे से दब जाती है ना गाड़ी की वो ऊपर उठ जाती है, और शॉकर्स पे भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना वो रिलीज हो जाता है, तो अभी तक तो मैंने लगवाए नहीं थे यार, क्योंकि एक तो टियागो क्या है कि हैवी गाड़ी है, तो इसलिए पीछे से इतना ज्यादा दबी नहीं हुई है, और एक जैसे ज्यादातर हमें 2 ही लोगों को बैठना होता है, तो इसलिए हम दोनों आगे बैठते हैं, तो पीछे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लगवाने तो हैं यार, तो आज मैं मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो कह रहे थे कि अभी ले आओ, पहले तो वो बोले कि 2 बजे के बाद ले आना, कोई और गाड़ी आएगी, फिर उनका थोड़ी देर में ही फोन आया कि आप अभी आ जाओ, वो गाड़ी जो आनी है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आपका काम हो जाएगा। पता नहीं किस चीज की भीड़ सी लगी हुई है यार, शायद पानी पिला रहे हैं मेरे को लग रहा है।
गुरु अर्जन देव जी छबील। हाँ तो पानी तो पी लेते हैं यार, गर्मी का टाइम है। ये बहुत सेवा करते हैं यार सही में। पिछले साल पूरी गर्मियों में हमने देखा यार, ये सरदार मतलब इतनी बार ये मतलब यहाँ लगाए मिलते थे यार। यार सच में इनको सैल्यूट है यार सेवा के लिए तो। और एक चीज और देखो यार, 14 मई से 3 जून तक है, मतलब डेली चलेगी 14 मई से 3 जून तक। जो लड़का पानी पिलाने आया था ना यार, उससे पूछ रहा था मैं कि 3 मई तक चलेगी क्या, तो वो कहने लगा कि 3 मई तक तो कम से कम चलेगी, आगे के आगे देखेंगे, हो सकता आगे भी चल जाए। यार कमाल है यार। और अभी मैं आ गया हूँ यार करनाल मार्केट में, ये पुराने बस स्टैंड के सामने है जहाँ से मैंने CNG लगवाई थी, तो उन्होंने ही मेरे को रिकमेंड किया था ये कि स्टैंडर्ड शॉकर है पुराने बस स्टैंड के सामने, वहाँ से लगवा लेना। और एक चीज़ और उन्होंने बताई थी मेरे को कि एक तो रबड़ वाले आते हैं गुट के पीछे, और एक आजकल एल्यूमिनियम के आते हैं, तो एल्यूमिनियम वाले लगवाना, वो क्या है कि कटते नहीं है। तो अभी इन्होंने मेरे को दोनों ही दिखाए हैं। तो ये तो है यार वो रबड़ वाले, और वो दिखाना जो अभी वाले थे, और वो हैं जो अपनी गाड़ी में डलेंगे, ये डलेंगे अपनी गाड़ी में, ये एल्यूमिनियम के हैं। ये ऊपर पेंट हो रखा है क्या? हाँ ये रखा है। अच्छा तो ये कितने के पड़ते हैं ये वाले? ये तो 800 रुपए के फिटिंग समेत, लेबर समेत। 800 रुपए के लेबर समेत। और ये 1400 रुपए, ये 1400 रुपए के। तो इनके तो साइज में भी फर्क है, ये जैसे चौड़े हैं ये थोड़े से बैठ जाते हैं। अच्छा ये तो सैंपल से दिखाया थोड़ा सा मैंने। अच्छा ऐसी भी लेंगे सेल देखने में। अच्छा अच्छा अलग अलग गाड़ी के हिसाब से। हाँ, अलग अलग सबके। ये अभी खोलने का काम शुरू हो गया अपना, शॉकर्स पूरे निकालने पड़ेंगे बाहर, बाहर निकालने पड़ेंगे। और टियागो के शायद शॉकर निकालने भी थोड़े मुश्किल है ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि इसके शॉकर ऊपर तक है। नॉर्मल गाड़ी में तो शायद ये 15 से 20 मिनट में भी लग जाते हैं, लेकिन टियागो में क्या है ना, तो टियागो में ये कह रहे हैं कि 1 घंटा लग जाएगा कम से कम, इसलिए भी थोड़ा सा रेट में फर्क है लेबर के हिसाब से, क्योंकि इसमें लेबर ज्यादा लगती है। भाई इधर ये लग गया है अपना शॉकर, अलग से ही दिख रहा होगा जो लगाया है। जितना इसका साइज है ना, ये मान लो इतना साइज है इसका, तो इतनी ही गाड़ी की हाइट उठ जाएगी पीछे से, इतनी ही दबती है CNG सिलेंडर लगाने से। और अभी निकला हूँ यार यहाँ से काम करवा के, 3:15 का टाइम हो गया है। 1 बजे मैं ड्यूटी से निकला था, 1:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा था। पहले एक गाड़ी में लगाने लग रहे थे, उसमें कम से कम भी इन्होंने 1.25 घंटा लगा दिया होगा यार, और फिर 1.25 घंटे के आसपास ही अपनी गाड़ी में लग गया। और अलग से ही फील आ रही है यार, ऐसे लग रहा है कि जैसे पीछे से गाड़ी ना उठ सी गई है, और इतने में ही देखो कितना फर्क पड़ गया, और चलाने में भी मतलब थोड़ा सा बेटर लग रहा है यार अब पहले से। और CNG डलवा लेता हूँ यार, वैसे तो देखो 76 किलोमीटर ही चली है गाड़ी, पर फिर भी ये है कि इधर से आ रहा हूँ तो डलवा लेता हूँ, नहीं तो फिर स्पेशल ना आना पड़ जाए, चक्कर लगता रहता है वैसे तो, पर फिर भी डलवा ही लेते हैं यार। तो अभी घर पहुंचा हूँ यार, और ये जो शॉकर का मैंने काम करवाया है इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाली है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है आप देखना चाहते हो तो देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कुछ खाने की चीज़ें ले आया था यार, देखो सारी निकाल निकाल के फेंक दी, 2 तो लॉलीपॉप थे वो दोनों निकाल के एक एक बार वो चूस के और रखवा दिए दोनों। इसका मैं क्या करूँ, खानी है? ये भी खुलवा के गिर दिया, देखो खाता है नहीं नोनू, अब कह रहा उनको खोल दो, क्या करेगा क्या करेगा बेटा? वाओ बाय 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 करो पापा को।